हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारन, की हाल चाल बैलियो। सो गल है इदा बी दो गल्ला, पहला तो बई एक कहिंदे भी सेफ्टी बेस्ट ते एक जिहड़ी हार्ड हैट है वह जरूर पाया कर। सो मेरे को हैगी एक्चुअली ते पईआं ट्रक च, बट होया कि मैं ना काले रंग दियां ऑर्डर कीतियां, सेफ्टी बेस्ट तो काले रंग की मैं वह भी ऑर्डर करनी है, वह नहीं की हले, पर हार्ड हैड जी काले रंग की ऑर्डर की हले आई नहीं है ना, ता करके सेफ्टी बेस्ट हार्ड हैड जी नहीं पा हुई मेरे तो, चलो सॉरी। तो वैसे चल मैं पता है भी हाँ भी सेफ्टी वास्ते मेरे को पहला भी जो मैं रीफर भी करता सीगा तो मेरे को उदो भी हैगी सी, कई बार रीफर के भी आप ड्राई वैन भी है ना, कई बार मशीनरी नहीं जिदा कि प्लांट वगैरह तो ना कुछ सीमेंट वगैरह चक्या सीगा मैं जिदा पहला उत्थे रिक्वायर करते, सो मैं रखा सगा सारा समान। तो दूजे नंबर पर अपना बाबे गल है जिदा भी जोड़ा फ्लैट बैड पाउण का मेरा मेन रीज़न तीन क रीज़न ने, एक तो रीज़न ये है भी ओवर द रोड रीफर का काम करके मैं लेजी हो चुका सगा, सो मैं अबाउट 80 पाउंड भार बधा चुका सगा, सो थोड़ा ट्राई किया भी घटाने की हूँ, तो मैं हूँ दोबारा नहीं चाहता भी उत्थे फिर पहुँचा जिते पहला सगा, सो इस करके मैं क्या चलो ओवर द रोड भी माड़ा मोटा अपनी हरकत जी चलती रहूगी, सो वो रीज़न सगा। दूजा रीज़न हैगा भी थोड़ा जहा जो प्राइस है वो रीफर नालों वध आ, बाकी जी एक हैडक थोड़ी हैगी भी है, चलो रोड सिक्योरमेंट की हार्ड ब्रेकिंग नहीं कर सकते तो इदा कई कुछ है ना, सो वह भी हैगी है, बट ये एक चीज़ हो रहा भी तुहाडे जिहड़े लोड आ वह हमेशा विदाउट अपॉइंटमेंट लेंदे आ चक हुंदे आ, कितें कितें 100 चो एक लोड की अपॉइंटमेंट हुंदी आ, सो वह भी फायदा हैगा है भी एक 8 बजे सवेरे 7-8 बजे प्लेसिस खुलदियां तुसीं वधिया तरीके नाल सौ सकदे आ, ते हुंदा की आ भी रीफर दे विच कई बार तड़के 1 बजे की अपॉइंटमेंट, कई बार 3 बजे की, कई बार 2 बजे की है ना, सो उसदे विच की अद्धा पचिद्धा रह जांदा बंदा, ना सौंदा ना जागदा, तो फिर वो चीज़ हो गई। उस तो बाद एक चीज़ ये सी मेरे दिमाग भी चलो कंटेंट हाँ इदा भी यूट्यूब का जी सोच ही लिया भी हूँ नहीं बंद करना चली जाने दो है ना चलाना आ करना है ना, सो कंटेंट जिहड़ा हैगा अपना वह वधिया रहूगा क्योंकि लोड वखर वख चकांगे तरह तरह चीज़ें चकांगे है ना, मैनू खुद को भी सीखने को मिलेगा तुहानू भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जे कोई गाह फ्लैट बैडिंग दे विच आना चाहता है ना, सो वह भी रीज़न सेगा। इस करके मतलब कि ये सारे रीज़न से मैं ऑलरेडी 3 लोड ला चुका हाँ, तो सच दसा तो भी जोर बड़ा लगता है ना, फीनिक्स लोड लाया सगा 110 डिग्री से, वो भीडियो हम तुम गाह देखनी है तो मुड़ के चक्या घा का लोड, सो जोर बड़ा लगता है धुप्प के बल्ले बल्ले हो जाती पूरी गर्मी के, बट मुड़ के जो लोड सिक्योर हो जाता जान लोड हो जाता ट्रक ना फिर फीलिंग भी बड़ी वधिया आउंदी आ, सो बहुत गल्लां नहीं करनी आप आजो देखिए आप हाँ ट्रैकिंग व्लॉग। यार्ड तो तुरन लगा जी मैं बेकर स्पीड तो, मैं क्या एक बड़ी लोड नू सिक्योर कर लीए दोबारा चैक मैक कर लीए ता करके ये बिच बार बढ़ा के खड़िया मैं हूँ, इतों अपने 500 मील आ 8 घंटे का सफर आ, मतलब कि एक अद्धा स्टाप जो ला लिया तो 9 घंटे लग जाते हैं, सो कलू लाना है लोड, तो उन्होंने 12 बजे का किया है भी लोड लाने तो आप पहले ही पहुँच जाना है तो जाके तो करते हैं फिर गलबात। उ इतना ना आम तौर पर गोरे गोरे कहते हैं भी फ्लैट बैडर जोड़े है उन्होंने ट्रक बैक नहीं लाने आते क्योंकि जोड़े बैक लाने वाला काम वो सिर्फ अपने वैना वाले तो रीफर वाले करते हैं, सो आप भी बैक ला के अज लोड लाना है, बैली कहते बैक लैके आओ ट्रक अंदर तो हूँ मैं लगा बैक ला
Thank you.
काम औखा मित्रो पर कोई नहीं करांगे पसीना पसीने हो गए यार इधरों ही दिखा पसीना ना अखा च पी जाता जी तां करके मैं ना नैपकिन जेब वाले हो गए तौलिया रखना नाल डब्बा जी जिहड़ा हुंदे नहीं ओह चिल मोड़ वाली तौली तौलिए यार ठंडा रखता बंदे नूं ओह रखना स्ट्रैपा सारिया खोल लिया सी रोल कर लिया हूँ मैं रख लेनी है तो बई ना ही लोड लाई जाता हौली हौली तो स्ट्रैपा रख के फिर बना वीडियो मित्रों लोड अनसिक्योर करता आ कल ना मैं एयरलाइन भी लाती सी आ जोड़ा पोल है ना इस पोल से आप एक चीज़ ये करनी है ये ता करके पोल लाया नहीं मैं एक्सपैरीमेंट ही आ जे पास हो गया तो पास आ नहीं तो फेल हो गया तो ला लाँगे सो वो एक्सपैरीमेंट करना मैं आर की मतलब हम घर जाके ऐस गेड़े कर ही देना गर्मी बहुत आ मित्रों फीनिक्स है बबे इस वेले मैं आज झग्गा मेरा सारा पसीने गिला हो गया है रंग ही इदा का ता करके पता ही नहीं लगता पर चंगा गिला हो गया पसीना पसीनी काम हो गया आ ही मजा फ्लैट बेड का मेन काम यह करके शुरू किया फ्लैट बेड का भी माड़ा मोटा तो ओवर द रोड भी वर्कआउट होंदा रहे जिम जा हो ना जा हो एवरीडे माड़ा मोटा जिदा कह लो भी वर्कआउट जोड़ा अपना चली जाए तो करके मैं फ्लैट बेड का काम शुरू किया पतले होइए ना होइए थोड़ा जहा बधे ना काम है ना सो मैंने लगता जो हालात अज हो इत फीनिक्स मैं लगता कटू का काम बदता तो की है मित्रों के बंदा कहता था फ्लैट बेड वाले बैग नहीं लाना पैंता ट्रक इतों नहीं जटते बैग लिया ट्रक है मोहरे गली भी छोड़ी आना आह ट्रैश कैन जहा रखे बड़ा और कुल मिला के आए आ होंगे स्प्रैड के नज़ारे आए कि नहीं टायरों के निशान पे कि नहीं ये रबड़ घसी सारी ता करके इदा लगा बैली हौली हौली लाने चल कोई नहीं ला दे कंस्ट्रक्शन चलन दी मबे मोहरे बिल्डिंग की आ मशीनरी देख के ना आश आश कर उठा मैं तो भाई एड्डी तगड़ी मशीनरी इन्ना भार है उसे पता नहीं की चक्कर है ना गुड मैन की ला कर बड़ी तगड़ी मशीन है भी ये भार भूर चकती है मतलब लगी चक्कर कुछ ना बड़ी तगड़ी मशीन है भार कि इधर बंदा लगा इन्ना निका जहा लगता अंदर जाके आया बिल्डिंग पर मैं चल बाथरूम वगैरह जाइए बंदे बड़े चंगे से कॉफ़ी दी बैली नहीं मैनू कहते पॉपकॉर्न भी खा लो जो खाने तो मैं क्या भरावा मसी 100 कैलरी बर्न की है तुम हम पॉपकॉर्न खिला दो मैं सब पॉपकॉर्न खाधे नहीं भाई भैन दे भीड़ ना तोड़ दी मेरे उस्ताद ने सैट लिया लोड पैरड़ी है वो तेरी भैन तोड़ना दी ले बनगी 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 गल बनगी गल बनगी गल बनगी गल भाई मैं भी चक लिया बैलिया ने ऐ बन गई गल के आ चक ऐ चक लिया बी है आ काम करना मित्रों किसी वे आह आ बड़ा आ बड़ा
ਬੜਾ ਟਰਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਨੇ ਆਹ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਿਫਥ ਵੀਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਫਥ ਵੀਲ ਦੋ ਫਿਫਥ ਵੀਲ ਅਤੇ ਆਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਐਂ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ तेल पाने लई मैं ना फोन दे विच ही अपना जगारमेंट जिहा ऑन कर लैना ना पंप वधिया रहिंदा इह कई वारी कहिंदा ठंड ठुंड हुंदी बाहर बाबा है ना तो फिर की करना आपां ने इहदे विचों करके कोड लै लैना फिर बाहर कार्ड कूड मारन दी घसाउण दी लोड़ नहीं कार्ड पंपां ते कई वारी कहिंदा कार्ड ज़्यादा घसाई चलो पंपां ते कार्ड भी खराब हो जांदे ना इस करके अजय तो हम आह कोड आ गया अपन ये कोड पर पंज कर देना 83 90 607 बल्ले 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 पैड नॉट वर्क चक लो फटे बल्ले बल्ले हो गई भी अंदर जाना पैना हूँ डीलिंग की माँ भैन कर दी अंदरों पंप स्टार्ट करवाना पाया मित्रों इन्हों का पिन पैड खराब होया करके इतने ना अपना कोड जोड़ा कोड की वरतों हुई नहीं दस्ताने पा लिए मैं पहला दस्ताने पा के फिर इदा हाथ गंदे नहीं होंगे कटाणु कटूणु लगे होंगे आ पंपा नाजलों तो एक ना होर चीज़ आ जो मैं ढक्कन खोलदा ना एक बूंद निकल के थले तुरदी आ ये ना हुण मैं माइक्रोफाइबर टावल रखे होंगे से ओरेंज वो ये चेता भुल गया मैनू माइक्रोफाइबर टावल रखने वो ना ढक्कन खोल खोलने तो पहला थल्ले पासे मैं रख दिना हुण ना जी बूंद तुरदी है थले नू ये बूंद जी तुरन तो पहले इन दब लिया जाता है वो की टैंक गंदा नहीं हुंदा हुण वैसे भी ट्रक गंदा अपने खड़ा झोटा मोरले टायर भी बड़े पाए हो बई ने ओवरसाइज लोड का काम करता बैली कोई नहीं कितने ना कि बबा सुख रखे से भी पा लेंगे ट्रक का आप इस हिसाब से बिल्ड किया हूँ भी ओवरसाइज लोडा भी चले ये बैली तो पुशर एक्सल लाने के हिसाब न कह लो भी इनू व्हील बेस भी लंबा रखे मैं सो बाकी पता नहीं फ्यूचर की है तुर पाया बई टोर तो इस ट्राले की है बाब्यो पैसे पता नहीं बनते कि नहीं क्योंकि इन्हें परमिट पुरमिट भी बड़े आ कह लो भी चंगा जंग पलंगा इन्हों का भी तो देख भी सोहने लगते भी बड़े बड़े ट्रक है ना बड़े बड़े लोड बट गल जे करिए मेरे हिसाब न घूम घुमा के खोती बोर थले ही होंगी है पैसे उन्ने की बनते भावें तुम फ्लैट बैड पा लो भावें रीफर भावें ड्राई बैन तो भावें ओवरसाइज कर लो जिम्मेवारियां बढ़ जाने घर जानी बट पैसे उन्ने के ही है मित्रों 942 डॉलर 185 टैंकियां फुल कराती मित्रों हुण मैं जाना है इत्थों अपने बराली कैलिफोर्निया जाना उत्थे जाके आपां चकने मज्जां दे पट्ठे तूड़ी कह लो जां हे कह लो जां घा कह लो वह चकनी आ ते 5 बजे बंद हुंदे उह तो 5 क बजे के लागे आप पहुँचते ब्रोकर कहता कोई नहीं तेरी वेट करे तू चक जा के तो सो खिंची गड्डी उधर हूँ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ, ਬੜਾ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡੱਪ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਵਾਲੇ ਡਿੱਪਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਜੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ CA 78 ਹਾਈਵੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੱਧਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੀ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇ, ਪਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆਪਾਂ, ਆ ਬਾਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਆ ਗਈਆਂ ਸੈਂਡ ਡੂਨਸ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਲੋਕ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਡ ਡੂਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜੀਪਾਂ ਜੂਪਾਂ ATV ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕੈਨਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇਤਾ ਰੂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਗਾਰਮੈਂਟ ਆ ਇੱਧਰ। ਅਤੇ ਬਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਈਵੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਘਾਹ ਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰ ਕਿਲੋ ਜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਆਹ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਇੱਥੇ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗਾਵਾਂ ਬਹੁਤ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖ ਗਾਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ, ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਚਲੋ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਯਾਰ, ਪਾਣੀ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ। ਅਤੇ ਆਇਆ ਘਾਹ, ਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਚੱਕਣ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਘਾਹ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਘਾਹ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਮੋਰੇ ਕਾਟੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੋਰੇ, ਵੀ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਣ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਧਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਪਏ ਵੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਰੀਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਧੁੱਪੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਧੁੱਪੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਧੁੱਪੇ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਨੂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਟੋਨੂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਔਰਡਰ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ਡ, $250 ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਬੇਕਰ ਸਵੀਟ ਰਹਿ ਗਿਆ 300 ਮੀਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।